YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सांगठनिक मजबूती और पार्टी जनाधार बढ़ाने को लेकर युवा कांग्रेस का जिला स्तरीय एक दिनी कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को डाल्टेगंज शहर के आबादगंज में संपन्न हुआ। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने शिरकत की, जहां प्रदेश महासचिव बिट्टू पाठक के अलावा युवा कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा कांग्रेस पार्टी पलामू जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ल और भारी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रियता के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। खासकर वक्ताओं ने आगामी नगर निगम और निकाय चुनाव की निकटता को देखते हुए यूथ कांग्रेसों से तय रणनीति के तहत और एकजुटता के साथ परिश्रम करने पर बल देते हुए वर्तमान भाजपा सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में जाकर उजागर करने की बातों को रेखांकित किया। प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के शोषण पर उतारू है और चंद वेतनमान पर निजी नियोक्ताओं से नौकरी मुहैया कराकर अपनी पीठ ही थपथपाने में लगी हुई है। युवाओं के साथ घोर अन्याय को यूथ कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा कि आगामी चुनाव में यूथ कांग्रेस युवाओं से बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान करती है, ताकि युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही रघुवर सरकार को करारा जवाब दिया जा सके। कि जब हम प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो हमसे पहला सवाल आप जैसे किसी एक पत्रकार भाई ने पूछा था कि आप युवा कांग्रेस को और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए इस प्रदेश में क्या करेंगे। तो हमने उस दिन उन्हें कहा था कि चाहे नगर निकाय के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, हम कोशिश करेंगे कि युवा अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उन चुनावों में दिखाएं। और आने वाले समय में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो हम युवाओं के बीच में बस एक संदेश देने आए हैं कि वक्त आ गया है कि या तो आप खुद नेता बने या अपने बीच में से एक नेता चुने, ताकि युवाओं की आवाज़ इस देश में हर जगह, हर संसद में। राजीव गांधी जी ने कहा था कि गांव हमारी पहली संसद होती है, तो हर संसद में ये आवाज़ ज़ोर से गूंजे और लोगों को उनका अधिकार मिले। युवा जो आज वंचित हैं, आज इस प्रदेश में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कल तक क्या कहते हैं, जो पलायन प्राइवेट कंपनीज करवाती थी, जो लोगों का शोषण प्राइवेट कंपनी करवाती थी 5,000, 6,000, 7,000 की नौकरी में दिल्ली उल्ली भेज के, आज वो काम सरकार कर रही है। और विडम्बना यह है कि सरकार अपनी पीठ भी थपथपा रही है कि हमने 6,000 रुपये में और 5,000 रुपये में दिल्ली में 26,000 लोगों को नौकरी दे दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, युवाओं का शोषण हो रहा है, उसे बंद करना होगा इस सरकार को। और आने वाले समय में एक स्वच्छ समाज की रचना युवा कांग्रेस करेगी, ताकि जिसमें युवाओं की आवाज़ को महत्वपूर्ण तरीके से सुना जाए और युवाओं की बातों को तरजीह देते हुए उनकी मांगों को पूरा किया जाए।